मधुबनी जिले के झंझारपुर में लोकसभा प्रवास के दौरान पहुंचे केंद्रीय सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में आज सहारा इंडिया से जुड़े कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को उस समय बड़ा धक्का लगा जब 45 दिनों के अंदर सहारा इंडिया के निवेशकों को पूरा पैसा भुगतान करने का वादा करने वाले मंत्री अमित शाह ने आज अपने भाषण में इस पर एक शब्द नहीं बोला। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों को पूर्ण भुगतान के लिए गठित भुगतान की क्रांति के दर्जनों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर हाथों में तख्ती बैनर लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने चंद्रयान 3 से लेकर G20 जैसे देश के उपलब्धियों पर जमकर चर्चा की, विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, किसानों की बात की, लेकिन देश के सहकारिता मंत्री होने के नाते सहारा इंडिया में फंसे देश के करोड़ों निवेशकों के भुगतान पर कोई चर्चा नहीं की, जिससे कार्यक्रम में पहुंचे भुगतान क्रांति के कार्यकर्ताओं को गहरा धक्का लगा। भुगतान क्रांति के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर ही जमकर नारेबाजी की। 2023 में सहारा इंडिया का पूरा भुगतान नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं के लोग नारे लगा रहे थे। भुगतान क्रांति से जुड़े लोगों ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने 45 दिनों में निवेशकों को पूरा भुगतान करने का आश्वासन दिया था। अब 45 दिन बीत गए लेकिन निवेशकों के खाते में महज 10,000 रुपए का भुगतान हुआ है। उन्होंने बताया कि आज देश के हर दूसरे परिवार छोटा बड़ा निवेश सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, सभी का पूरा भुगतान चाहिए, इसके लिए वे आंदोलन करते रहेंगे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। 2023 में भुगतान नहीं, चौबीस में वर्तमान सरकार किसी का मतदान नहीं। ये तो क्या आप जैसे बीजेपी को कोस रहे हैं, इसके पहले आपको नीतीश को भी कोस सकते थे। ये बीजेपी नीतीश वर्तमान जो राज्य सरकार है वो क्या कर सकता है जहां हमारा केंद्र सरकार की बात है। अगर आज केंद्र सरकार ने सुब्रत राय को ऐसे दे रखा है, रक्षा मंत्री ने उसे ऐसे दे रखा है, पटना हाई कोर्ट ने अगर यहाँ से बेल वारंट निकालती है तो वहाँ इसलिए लगा देती है सुप्रीम कोर्ट। आज न मीडिया मेरी बात को रख रही है, न भारत सरकार रख रहा है, न न्यायपालिका रख रहा है, न कार्यपालिका रख रहा है। हर एक घर के बाद दूसरा घर सहारा इंडिया से मनी जमा करता है। कितने लोग आए हैं जिसमें से 99% वृद्ध है, लेकिन आज ने आप सबके मुंह पर पट्टी बांध करके छलावा करने का काम करते हैं, लेकिन ये आपका चलेगा नहीं। मैं जन आंदोलन न्याय मोर्चा जगाने का काम करूंगा। भुगतान क्रांति, भुगतान